नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में पुलिस लगातार कई लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान पुलिस ने उनसे सुशांत के साथ उनके संबंधों और उन्हें फिल्मों से निकालने से जुड़े सवाल पूछे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने उनसे 30 से ज्यादा सवाल पूछे। रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने भंसाली से पूछा कि फिल्म गोलियों की रासलीला, रामलीला और बाजीराव मस्तानी से हटाए जाने की वजह से सुशांत डिप्रेशन में चले गए थे और इस बारे में आपकी उनसे क्या बातचीत हुई थी, जिसके जवाब में भंसाली ने कहा कि उन्होंने सुशांत को किसी फिल्म से ड्रॉप नहीं किया और ना ही उन्हें रिप्लेस किया था। भंसाली ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से मेरी मुलाकात साल 2012 में सरस्वती चंद्र नाम के एक सीरियल की कास्टिंग के दौरान हुई थी, लेकिन सुशांत को उस वक्त इस सीरियल के लिए कास्ट नहीं किया गया था। हालांकि मैं उनकी एक्टिंग स्किल से प्रभावित था। 2013 में आई रामलीला और साल 2015 में आई बाजीराव मस्तानी के लिए मैंने 2 बार सुशांत सिंह राजपूत को अप्रोच किया था, लेकिन उस समय वो यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म पानी की वर्कशॉप और शेड्यूल में व्यस्त थे। एक डायरेक्टर के तौर पर मैं उनका पूरा अटेंशन और डेडिकेशन चाहता था, लेकिन अपने ही शेड्यूल की व्यस्तता के चलते खुद सुशांत ने इन दोनों फिल्मों के लिए मुझे मना कर दिया था, जिसके बाद मैंने उनसे फिल्मों को लेकर दोबारा कोई बात नहीं की। सुशांत को एक फिल्म अभिनेता के तौर पर मैं उसी तरह जानता था जैसे कि बाकी कलाकारों को जानता हूँ। वो मेरे इतने करीब नहीं थे कि मुझसे निजी बातें साझा करें। उनके डिप्रेशन की बात मुझे पता नहीं थी। 2016 के बाद सुशांत सिंह राजपूत से मैं केवल 3 बार मिला था, वो भी सिर्फ फिल्म शोज के दौरान, लेकिन इस दौरान किसी फिल्म को करने या फिर किसी अन्य चीज पर मेरी उनसे बात नहीं हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भंसाली ने रामलीला सुशांत को ऑफर की थी, लेकिन बाद में उन्हें रणवीर सिंह से रिप्लेस कर दिया गया। कहा जा रहा है कि ऐसा ही कुछ उन्होंने बाजीराव मस्तानी के वक्त भी किया था। बाजीराव मस्तानी के लिए भी पहले सुशांत को अप्रोच किया गया और बाद में उन्हें हटाकर रणवीर सिंह को कास्ट कर लिया गया। हालांकि अब संजय लीला भंसाली ने पुलिस से बातचीत में इन सभी बातों को गलत बताया है। बताते चले कि सुशांत मामले को लेकर अब तक पुलिस ने करीब 30 लोगों के बयान रिकॉर्ड किए हैं और अभी भी मामले की जांच जारी है।